तो हम चलते हैं जी किचन में और बनाते हैं पूरे घर वालों के लिए मजेदार से डिश। हमारा सालन जो है ना वो हो चुका है रेडी। ये वीडियो में आने के लिए इतने अल्लाह माफ करे। दिखा जरा अपना ट्राउजर। देखा ये देखो टिकटॉक बनानी है टिकटॉक। चलो ट्राई करके बताओ। पहले खा लो फिर बाद में। सलाम अलैकुम जी। तो कैसे आप लोग? होपफुल आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। तो गाइस सीन को सिवाएंगे भाई। आज जो है ना मेरी मम्मा की तबीयत थोड़ी नासाज हो गई, क्योंकि आपको पता है कि मेहमानों का आना जाना इतना, तो मम्मा जो है ना 12-12 घंटे किचन में लगा रही थी कि खाना पकाना है, ये करना है, वो करना है, ये करना है। तो आज मम्मा की तबीयत थोड़ी सी नासाज हो गई है, जिसकी वजह से मम्मा आज खाना नहीं पका पा रही। तो मैंने कहा मम्मा आपकी बेटी इज हियर, तो हम चलते हैं जी किचन में और बनाते हैं पूरे घर वालों के लिए मजेदार से डिश। तो मैंने डिसाइड किया है मैं बनाऊंगी अंडे छोले, ठीक है जी। तो ये एक रेसिपी है और मैं आप लोगों के साथ इसको शेयर भी करूंगी, और ये मम्मा की रेसिपी जो मम्मा मुझे बताएंगी एंड मैं बनाऊंगी और आपको भी सिखाऊंगी साथ साथ। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट किए रेसिपी शुरू करते हैं, और मैं बताती चलूं कि मम्मा के जो है ना पैर हाथ मतलब पूरी बॉडी में पेन हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो अभी जाना पापा उनको डॉक्टर के लेके गए, तब तक हम लोग जो है ना थोड़ा सामान कटिंग वगैरह कर लेते हैं। तो आपको जाना आप किचन में मिलते हैं, और स्टेप बाय स्टेप आपके साथ स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के साथ जो है ना रेसिपी भी शेयर करते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं छुट्टियाँ में जाकर। चलिए किचन में चलते हैं। हाँ जी, तो भाई हम लोग जो है ना रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले जो है ना मैं किचन में आ चुकी हूँ। किचन में आने के बाद जो है ना मैंने दो प्याज लिए और उनको छोटे छोटे पीसेस में कट कर दिया। ऐसे आप लोगों ने पीसेस कर लेना प्याज के, और इसको जो है ना आप लोगों ने डालना है ग्राइंडर में, ठीक है। इनको प्याज को आप लोगों ने लेना और ग्राइंडर में डालना अच्छे से। तो भाई ये जो है ना हमने मिक्सचर में डाल दिया है, ठीक है, प्याज डाल दिए। तो प्याज डालने से पहले हमने दो ये हरी मिर्च जो है ना इसी के अंदर ऐड करनी है, और इसको फिर हमने अच्छे से वॉश कर लेना है, ठीक है। ये हमने अच्छे से वॉश की इसको, और इसको अब हमने डालना है ग्राइंडर में। इसको भी साथ ही पीस लेंगे, दो हरी मिर्च और दो प्याज, ठीक है। इसको अब अच्छे से चॉप कर लेना है, और इसको जो है ना हम लोगों ने इसके अंदर पानी ऐड करना है और अपने चॉपर में डालना है। ठीक है, और इसको आप अच्छे से, तो अब इसको जो है ना हमने अच्छे से ग्राइंड करना है। ये हो गया हमारा अच्छे से ग्राइंड मिक्सचर, देख रहे हो। आलू लेके, मतलब जितना आपके हिसाब में घर में खाए जाते हैं ना उसके हिसाब से आपने आलू ले लेना है, और उसको इन पीसेस में कट करना है छोटे छोटे, ठीक है, राउंड शेप में, ऐसे चकोर चकोर जैसे आलू की कतलियों में आप लोग डालते हो ना वैसे, सेम टू सेम। तो मैंने ये आलू भी कट कर लिए हैं, और प्याज और हरी मिर्चों का हमने पेस्ट भी बना लिया है। और अब बारी है जी कुकिंग स्टार्ट करने की। कटिंग वटिंग तो हो गई, अब बारी है कुकिंग स्टार्ट करने की। तो चलिए चलते हैं और अपनी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। तो भाई हमने लेनी है अपने हिसाब से पतीली, ठीक है, हमने मिड साइज़ वाली ली है, और इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 कप ऑयल, ठीक है, ये रहा हमारा कप, और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे, और पीछे से मम्मा गाइडेंस देंगी कि भाई ऐसे करना है, ऐसे करना है, ओके। तो इसको हमने चूल्हे में चढ़ा देना है, और इसको इसकी जगह पर रखना है, साथ साथ सफाई भी बरकरार रखें ना, ठीक है। बस क्या करना, अब चूल्हा जला दिया? नहीं ना, वही तो नहीं जलाया। अब तेज गरम होने दो, तेज। तो भाई आपने जो है ना तेल गरम करना है तेज, ठीक है, उसके बाद बस। तो भाई ये जो हमने मिक्सचर बनाया था ना प्याज और हरी मिर्चों का, इसके अंदर हमने ऐड करनी है 3-4 लौंगे, 1 बड़ी इलायची, और 2-3 ये जो है ना क्या कहते हैं इसको,
लकड़ी, दालचीनी और बस। हाँ तेल गरम हो गया, डाल दो। ये देखो ये सब लिया हमने, ओके। दालचीनी, लौंग दो तीन, और इसको इसके अंदर डालना, उसके अंदर तेल के अंदर। अच्छा जो तेल गरम किया ना उसके अंदर डालना, फटाफट ये डाल दो। फिर उसके अंदर हमने डालना प्याज, जल्दी डालो सब उछल जाएगा। अब लहसुन अदरक डाल दो। लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है एक चम्मच, एक चम्मच वन स्पून हमने डालना है लहसुन अदरक का पेस्ट, पूरा एक ही चम्मच में पूरा डालो। हाँ डालो। अब इसको भूनो, बुनाई करो। चलो जी अब इसकी बुनाई करते हैं। बुलाओ तो भाई, ये हमारा मिक्सचर था, ठीक है। इसके अंदर जो हमने डाला सब आपको बता दिया क्या क्या डाला है। अब इसको हमने अच्छे से भूनना है। आप लोगों ने यहाँ तीनों मसाले ले लेना है, पिसी मिर्चे, हल्दी और पिसा धनिया। इसको आपने एक एक चम्मच डालना है। वन टेबल स्पून आपने पिसा धनिया डालना है और वन टेबल स्पून आपने हल्दी का लेना है, ओके। और वन टेबल स्पून आप लोगों ने पिसी मिर्चों का लेना है, ठीक है। पिसी मिर्चे कम है तो टेस्ट के हिसाब से लेना। अगर आपके घर में मिर्ची ज़्यादा ली जाती है तो आप जो है ना वन एंड हाफ स्पून भी ले सकते हो। तो हमने लिया है वन एंड हाफ स्पून, क्योंकि हम लोग जो है ना स्पाइसी खाना खाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा मसाला तैयार है और इसको हम डालेंगे अपने इसके अंदर, सालन के अंदर, ओके। और अब जो है ना इसको अच्छे से भुनाई करेंगे इसकी। देखो भाई यहाँ पर जो है ना हमारा तेल ऊपर आ चुका है, ठीक है। हम लोगों ने इतना भूनना है कि हमारा तेल जो है ना ऊपर आ जाए। तो ये देख रहा ऊपर आ चुका है हमारा तेल, ठीक है। अब हमने डालने हैं इसके अंदर आलू। तो ये हमारे आलू हैं, हमने तीन आलू लिए थे। इसको हमने अच्छे से वॉश कर लेना। मैं पहले वॉश कर चुकी हूँ लेकिन अब आपके सामने कर रही हूँ अच्छे से वॉश, ठीक है। अच्छे से आप लोगों ने वॉश करके इसका पानी जो है ना निकाल लेना गंदा जो भी हो। एंड देन इसको अपने भुनाई के अंदर जो मसाला आपने बनाया उसके अंदर आपने ऐड करना है और इसको अच्छे से भून लेना। ये हमने आलू को ना मसाला अच्छे से लगा दिया, ठीक है। अब इसके अंदर जो है ना हम लोगों ने एक कप पानी डालना है। इतना पानी डालना है कि हमारे जो आलू है ना वो गल जाए। तो यहाँ पर हम पानी ऐड करते हैं, बिल्कुल एक कप लेंगे, ओके। ये हमारा पानी ले लिया हमने। नहीं बहुत सारा है, एक कप। हाँ हाँ सबर ना, बोलना यस और नो मम्मा, सही है ना। हाँ तो भाई हमने एक दो कप पानी डाल लिया छोटे वाले कप, और अगर ग्लास डालेंगे तो आप एक ग्लास डाल लें, ठीक है, भर के। एक ग्लास भर के आपने पानी डाल लें ताकि आपके आलू जो है ना वो गल जाए अच्छे से। और जो है ना हम छोले डाल रहे हैं एक कटोरी पर, मतलब एक कटोरी हमने इसके अंदर छोले ऐड करना है, ठीक है। जो हमने पानी डाला ना, पानी डालने के फौरन बाद ही आपने छोले ऐड कर देना है। बॉयल हुए हैं छोले। कहीं आप लोग ऐसा समझते हो कि हम लोग कच्चे डाल रहे हैं, नहीं भाई, एक दिन पहले हमने बॉयल करके रख लिए थे, ठीक है। क्योंकि वक्त का कोई भरोसा नहीं होता कि कब क्या बनाना पड़ जाए। तो हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि आपको न्यू डेली जो है ना अपडेट मिलता रहे। भाई रोजाना खाने की लड़कियों को, आंटियों को टेंशन इस बात की होती है कि डेली पकाएं क्या भाई। जब आपकी कराची की लड़की और सिद्दीकी फैमिली आपके साथ है तो आपको पता होना चाहिए कि डेली खाने में आप लोगों ने क्या बनाना है। तो हम लोगों ने छोले बॉयल करके रख लिए थे एक दिन पहले ही, और क्योंकि आपको पता है छोले बॉयल होने में टाइम लगता है। तो यहाँ आपने फ्लेम जो है ना हाई कर लेनी है और इसको अच्छे से मिक्स करके अब इसको हमने ढकना है ताकि आलू अच्छे से बॉयल हो जाए। दरमियानी आंच मिडल फ्लेम करनी है आपने और इसको अच्छे से भूनने देना, मींस अच्छे से फ्लेम आने देनी है ताकि हमारे आलू जो है ना वो बॉयल हो जाए और पूरा जो हमारा सालन है वो पक के तैयार हो जाए। तो भाई यहाँ जो है हमने एक जग पानी ले लिया है, इसको हमने पतीले में डालना है और यह हमने मंगवाए 6 अंडे, ठीक है। 6 अंडों को हमने डालना है पतीली में, बॉईल करेंगे हम इसको। तो आराम आराम से हमने डालना है पतीली में। ये हमने डाल दिए 6 अंडे पतीली के अंदर, ओके। तो अब इसको रखेंगे हम बॉईल करने के लिए। तो भाई अब आ गए हम सालन चेक करने के लिए। तकरीबन 15 मिनट तक जो है ना ये बॉईल हुआ अच्छे से, मींस अच्छे से हमारे आलू गले।
गले नहीं गले, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमने लिया सालन, ठीक है, और ये लिए हमने कुछ भी चेक करने के लिए पकड़ लो, ठीक है। ये देखो अच्छे से अंदर जा रहा है आलू के, और देखो आलू टूट भी रहा है। हमारा सालन अच्छे से पक चुका है, और हम चेक करते हैं इसमें नमक। नमक हम एंड में डालते हैं क्योंकि आपको पता है कि बाद में तेज़ हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, तो हम लास्ट पे डालेंगे। पहले नमक चख लेते हैं, नमक कम है तो हम इसके अंदर एक चम्मच नमक डाल लेते हैं। सही है, ज़्यादा नहीं करो यार। इसमें हमने नमक ऐड कर लिया, अब इसको अच्छे से भून लेते हैं ताकि नमक मिक्स हो जाए। हमारा सालन जो है ना वो हो चुका है रेडी, ठीक है। अब इसको हमने उतार लेना चूल्हे पे से। तो भाई हम लोग उतार लेते हैं सालन को, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसको कोने पे कर देते हैं। और अब हम बॉईल करने के लिए रखते हैं अंडे। अंडे गरम अंडे। यहाँ हमारा सालन रेडी हो गया, यहाँ हमारे अंडे बॉईल हो रहे हैं। ये सेटिंग चेक कर रहे हो, सेटिंग चेक करो, कितनी मेहनत करनी पड़ती है कुकिंग व्लॉग के लिए। अब दुआ करो कि जल्दी से मेरा किचन हो जाए ताकि मैं तुम्हें अच्छी अच्छी रेसिपीज दूँ। ये देखो ये वीडियो में आने के लिए इतने अल्लाह माफ करे। दिखा जरा अपना ट्राउजर, देखा ये देखो। टिकटॉक बनानी है, टिकटॉक। तो भाई पापा को मोबाइल देते तब तक वो टिकटॉक बना रहे, तब तक हमारे अंडे बॉयल होते हैं, ठीक है जी। मिलते हैं आप लोगों को चुटकियों वाले ब्रेक के साथ। हाँ जी, तो भाई यहाँ पर जो है ना मैंने सारे अंडे को पील ऑफ कर लिया, ठीक है। ये 6 अंडे थे, 6 अंडे को हमने पील ऑफ कर लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आप लोग सालन का लुक देख सकते हो, ठीक है। अब इसको हमने फाइनल रेडी करना है, ठीक है। इसके अंदर हमने अंडे डालने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये डाल दिए हमने अंडे, अंडे अंडे अंडे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ठीक है। ये हो गए जी अंडे, डाल दिए हमने, ओके। अब इसके ऊपर हम लुक देने के लिए डालेंगे हरा धनिया, ठीक है, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी हमारा सालन, तो ये जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो हमारा सालन रेडी हो गया, और मम्मा की रेसिपी से अल्हम्दुलिल्लाह डन। अब जो है ना हमारा सालन अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो चुका है, ठीक है, और बन के तैयार हो चुका है। और बस क्या करना है, दस्तखान लगाना है, रोटी मंगवानी है, और दस्तखान पे बैठना है, आप सबके साथ रिव्यू शेयर करना है कि भाई मैंने अंडे आलू छोले, यस अंडे आलू छोले। अच्छा, हमने आलू इसलिए ऐड किया क्योंकि हमारे घर में आलू ज़्यादा शौक से खाए जाते हैं, अंडे बहुत कम खाए जाते हैं, छोले और आलू बहुत शौक से खाए जाते हैं। तभी जो है ना मैंने आलू ऐड कर दिए ताकि यू नो बच्चे भी खा लें, हम लोग भी खा लें, मीन्स मैं भी आलू की शदाई हूँ। तो हम लोगों ने इसलिए जो है ना इसके अंदर आलू ऐड किया। तो गाइज अगर आप लोगों का दिल चाहे तो आलू ऐड कर लो, नहीं चाहे तो सिर्फ छोले अंडे छोले बना लो, लेकिन हम लोग आलू ऐड करते हैं। और अब मैंने बर्तन वगैरह वॉश करने हैं जो यहाँ पर फैलाए हैं मैंने, उसके अलावा अब दस्तखान पे मिलते हैं आप लोगों को रिव्यू के साथ। प्यारे प्यारे गाइस, तो बनाली उसने जोड़ दो, आ जाओ 12 बज गए, खाना दे दो पापा, इधर तो आओ पापा, ओ पापा दावन नाराज हो गई। चलिए तो ये देखो मम्मा, वन रिएक्शन देखो मम्मा, रिएक्शन वन देखो गाइस, देखो कितने आराम से देख रहे हैं। खोल दो, हां खोल दो डब्बा, खोल दो रिएक्शन दो जरा। ये देखो आज की बेटी ने बनाया, तो भाई ये तो भैया मीटिंग बनती रहेगी, 12 बज गए आज खाने को नहीं मिलेगा। चलो खा के बताओ कैसा है, टेस्ट बताओ। आपकी बेटी ने मम्मा की रेसिपी ट्राई की, मम्मा की, मम्मा बाबा ट्राई करके बताओ। ये देखो माशाल्लाह, अंडा तो अच्छा पका है। चलो ट्राई करके बताओ। बिस्मिल्लाह वाला बरकतुल्लाह। क्या बेहतरीन, सच्ची है। तुम लोग भी खाओ, तुम लोग भी खाओ, खा के देखो।
कैसा मम्मा? बहुत अच्छा ना। तो भाई मैंने जो है ना मम्मा की रेसिपी ट्राई करके बनाया। मम्मा लोग बोलेंगे आपकी तबीयत ठीक है। बात सुने। बना तो बहुत अच्छा है। कल से आप बनाएंगे। नहीं बना तो बहुत अच्छा है, पर थोड़ा सा नमक सही होता ना तो और अच्छा लगता। और मिर्ची अगर तुम सही डालती और मिर्च कम है सुने तो अच्छा। और अगर थोड़ा सा शोरबा कर देती ओए 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 और क्या नाम है, अगर ये चने पक जाते तो और मजा आता। बहुत बना बहुत बेहतरीन है। सारी कमियां निकाल। मम्मा मजाक उड़ा रहे। बहुत अच्छा बना है। अब कल से खाना तुम बनाओगी। रहने दो, तभी तो मैं खाना नहीं बनाती। आप लोग बोलते खाना बनाओ, मैं तभी खाना नहीं बनाती क्योंकि ये लोग कहते हैं कि तुम खाना बनाओगी ना, तुम खाना बनाओगी तो डेली बनाना पड़ेगा, तभी मैं नहीं बनाती। समझ रहे हो? चलो जी अब मैं अपना लीवी दूं अच्छे से आप लोगों को, कैसा बना कैसा नहीं। हटो एक मिनट के लिए, थोड़ा दूर तो जाओ। गाइस ये देखो हमने लिया अंडा, हमने लिया आलू, लिया छोले, मतलब इतना बड़ा मेरा मुंह निवाला थोड़ा मैंने निवाला लिया है। अभी जो बदतमीज बोलते हैं लोग, इतना बड़ा मुंह नहीं है जितना बड़ा मैंने लिया है। देखो गोलगप्पे की तरह निवाला गया। पहले खा लो फिर बाद में। हम भी पसंद करते हैं। बस कहो सब परफेक्ट है। मिर्चें भी सही है। सब अच्छा है। कुछ भी अच्छा नहीं। मिर्चें भी सही है। आप लोग भी जो है ना अपने घरों में रेसिपी ट्राई करो। बहुत ही सिंपल, बहुत ही जल्दी रेडी तैयार होने वाली है। देखो मिफ्रा ने बना ली, तो मतलब आप लोग क्या चीज हो, मीन्स करांची की लड़की ने बना ली तो आप लोग नहीं बना सकते क्या? गाइस जल्दी इसको ट्राई करो। हम लोग जल्दी पेट पूजा करते हैं, खाते पीते हैं, फिर आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह। ये हम लोग खा रहे हैं खाना, ठीक है? तो हम लोगों ने आपको रिव्यू दे दिए कि भाई इसके रिव्यू क्या है आप लोगों के साथ। तो भाई हम लोग कर लेते हैं पहले पेट पूजा, जल्दी से खाते पीते फिर आपसे मिलते हैं और इस व्लॉग को एंड करते क्योंकि अब हमारे सोने का टाइम है इतनी रात। मम्मा कब मैंने खाना बना के आपको खिलाया? 12 बजे। अच्छा ना तुझा कब खिलाया? नाराज हो गई क्या मुझसे? 12 बजे खाना मिला तो मतलब 1 बजे तो हमने सोने ही है। मीन्स मैंने बनाया तो देर तो लगनी है ना। आप जो बर्तन पिलाए वो भी धोने, मम्मा पापा ने, मैंने थोड़ी मम्मा पापा ने। और अब जो है ना इसको इसके बाद ब्लॉग को एंड करना, फिर आपसे मिलता है। खाना साना खाने पहले पेट भर लें। चलो जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह शुक्र हो गया, हमारा पेट भर चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। तो पापा क्या सीन हुआ है, क्या सीन हुआ है अभी? रोटी खत्म। हमारे घर में 8 रोटी खाई जाती है, 10 रोटी खत्म। 10 रोटी खत्म हो गई आज, देखो माशाल्लाह। मजे की नहीं बनी? ये लोग मुझसे कह रहे अच्छा नहीं बना खाना। पापा ने रोटियों की थैली उठाई, अरे 10 रोटियां कहाँ गायब हो गई? हाँ वैसे तो मैं 8 लाता हूँ तो खत्म नहीं होती वो 8। आज 10 लाया तो मंगवानी पड़ी है बाहर से, 2 और मंगवाई 12 रोटियां। सोच रहे हाँ हाँ वही ना वही इसलिए तो हम बोल रहे हैं मम्मा ने बनाया था खाना। और मम्मा बोल रही है बड़ी मम्मा से बनाया, और मम्मा कह रही है छोटी मम्मा से बनवाया। तो गाइज अब जो है ना हम इसी के साथ ये व्लॉग को एंड करने वाले। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। हाँ जी तो भाई गाइज आप लोग जो है ना नेक्स्ट वीडियो का मुझे टॉपिक बताओ कि कौन सा लेकर आऊँ, कौन सी रेसिपी ट्राई करूँ, क्या बनाऊँ, क्या इन लोगों घर वालों को खिलाऊँ, ताकि पापा भी मम्मा भी मतलब मेरी फैमिली भी खुश हो जाए, आप लोग भी खुश हो जाए, आप लोगों को रेसिपी मिल जाए और मुझे टॉपिक भी मिल जाए, कंटेंट भी मिल जाए। तो आप लोग जो ना कमेंट्स करना मत भूलना कि कौन सा कंटेंट लेकर आऊँ, कौन सी रेसिपी लेकर आऊँ। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बहुत प्यारी रेसिपी के साथ, मीन्स बहुत चटपटी स्पाइसी डिलीशियस लजीज। मेरे मम्मा तो बोलते ही पानी आ गया। सब वोट दो सब्जी को, सब्जी को वोट दो भाई, मुझसे कह रहे सब वोट दो सब्जी को, सारे वोट दो सब्जी को। क्या पता नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों के लिए वेजिटेबल की सब्जी लेकर आऊं इंशाल्लाह। सब्जी मतलब है क्या बोल रहा है? नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह सब्जी का लेकर आऊं, मीन सब्जी रेसिपी। तो आप लोग बताइएगा कौन सी सब्जी की रेसिपी आप लोगों को चाहिए। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखो, दुआ मुझे बहुत सारा याद रखो। लव यू ऑल, टाटा बाय बाय।